नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों, तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पहली अपडेट है लोक सेवा आयोग से, 6 जनवरी 2021 की ये नई नोटिस है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने काफ़ी दिनों के बाद ये नोटिस जारी कर दी है। यहाँ पर जो नोटिस जारी हुई है ये ACF RFO एग्जाम परीक्षा 2021 को लेकर के जारी हुई है। आप लोग जानते हैं 2020 में PCS और इसकी भर्ती आई थी, तो इसके लिए मेंस एग्जाम होना, तो मेंस एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म के लिए ACF RFO की नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 21 अप्रैल 2020 के द्वारा विज्ञापित सहायक वन संरक्षक ACF एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO सेवा परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 11 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम 21 नवंबर को जारी किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर के 180 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया था। तो अब इनके लिए जो है ये मुख्य परीक्षा के लिए नोटिस जारी कर दी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए, आज से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। दोस्तों, दूसरी जो अपडेट है वो UP SSSC से आ रही है। UP SSSC ने यह महत्वपूर्ण नोटिस आज जारी की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 जनवरी 2021 की लेटेस्ट अपडेट है। यह नोटिस जारी हुई है मंडी परिषद भर्ती परीक्षा को लेकर के। लिखा है आयोग के विज्ञापन संख्या 5/2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद समितियां उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन हेतु अगले चरण की आशुलिपिक और टंकण परीक्षा के लिए आहार पाए गए अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं टंकण परीक्षा के लिए वो जारी कर दिए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी प्री एग्जाम में लिखित परीक्षा में चयनित थे वो लोग अपना यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं टंकण परीक्षा के लिए। टंकण परीक्षा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, 12 जनवरी 2021 को करवाई जाएगी। इसके जो एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। समय परीक्षा का यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। वहीं पर लोक सेवा आयोग से एक नोटिस और जारी हुई थी जो कल जारी हुई थी, 5 जनवरी की यहाँ पर अपडेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये नोटिस जारी हुई जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर के। इसमें 536 पदों पर चयन होना, इसमें हिंदी और अंग्रेजी की टंकण परीक्षा जो है उसके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, नाम यहाँ पर दिए गए, तो जो भी कैंडिडेट इसमें हैं वो अपना देख लीजिए और यहाँ पर अपना समय से पहुँचिए। इसके जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं आप लोग इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। कुल मिलाकर के लिखा है कि टंकण परीक्षा है तो आर पार गए पाए गए 4264 अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा निम्न कार्यक्रम के अनुसार 13 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के बीच प्रतिदिन 2 पालियों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में करवाई जाएगी। यहाँ पर यहाँ पूरा शेड्यूल दिया गया है, ठीक है। इसको अगर डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी एडमिट कार्ड जो ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर TGT PGT को लेकर के। TGT PGT 2020 के आप लोग जानते हैं ऑनलाइन फॉर्म अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। प्रतियोगी छात्रों द्वारा 12 जनवरी 2021 को एक व्यापक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारियां इस समय चल रही हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे जिसकी जानकारी भेज दी गई है उनको नोटिफाई कर दिया गया है कि 12 जनवरी को प्रयागराज में व्यापक धरना प्रदर्शन होगा। प्रयागराज के जो DM हैं उनको भी लिखित में बता दिया गया, नोटिस वो दे दिया गया लेटर कि 12 जनवरी को व्यापक धरना प्रदर्शन होगा। बताना जरूरी होता है, नहीं तो फिर कई तरह से कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए पहले से सभी को सूचित कर दिया गया है कि इसकी तैयारियां होगी और इस दिन ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। आपको दिखाते हैं उसकी भी अपडेट नोटिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई युवा मंच के द्वारा, और यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग की मनमानी कार्य प्रणाली और भ्रष्टाचार से भी युवाओं में नाराजगी है। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे चयन बोर्ड के, चयन बोर्ड के लिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि देखिए 12 जनवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम के बाबत जिलाधिकारी प्रयागराज को पत्र प्रेषित कर अवगत करा दिया गया। छात्रों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। डेलीगेशन और सोशल मीडिया में प्रचार जोर शोर से जारी है। 12 जनवरी के प्रोग्राम में शिक्षक भर्ती के अलावा भी सभी भर्तियों से जुड़े प्रतियोगी छात्र शिरकत करेंगे।
तो कुल मिलाकर के 12 जनवरी के धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारियां चल रही हैं। जब तक विज्ञापन जारी नहीं हुए तब तक प्रतियोगी छात्र आड़े हैं। जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी कराने की मांग करें कि जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी भर्ती का हो या अन्य भर्तियों का। इसमें कई सारे भर्तियों का मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के आज तक की ये अपडेट हो गई। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।